का सबसे हॉन्टेड प्लेस। गाइस सबसे पहले आपको बाराखंबा मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 5 से निकलना है। आप गेट नंबर 4 से भी एग्जिट कर सकते हैं, दोनों आमने सामने हैं। निकलने के बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना है, वो बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ एक रेड लाइट है। रेड लाइट से आपको राइट की तरफ मुड़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आप देख पाएंगे हेली लेन। आप बाराखंबा मेट्रो स्टेशन आने के बाद गूगल मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बकवास ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ अग्रसेन की बावली में। अग्रसेन की बावली मैं बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन पर उतरा, वहाँ से 650 मीटर दूरी पर ये अग्रसेन की बावली है। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। यही है रेड लाइट। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा टाल स्टाय मार्ग, ये एरो की तरफ आपको बढ़ते जाना है। आगे सामने आपको हेली लेन दिख जाएगा। तो गाइस लगता है मैं आ गया, और ये बाहर से पता लग रहा है कि ये कोई मोनूमेंट होगा। तो गाइस ये बाहर का नज़ारा है, अभी मैंने यहाँ से एंट्री की है, और ये कुछ बाहर का नज़ारा होगा। दो इंस्पेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को अंदर लेकर जा रहा हूँ। तो गाइस अग्रसेन की बावली दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेसों की लिस्ट में गिना जाता है। कहा जाता है जब अग्रसेन की बावली में पानी ऊपर तक भरा हुआ होता था, तब लोग यहाँ पे तैरने आते थे और अपना जान गंवा देते थे। कहा जाता है यहाँ पे जो डूबता था उसका लाश भी नहीं मिलता था, वो भी कहीं गायब हो जाता था। तो गाइस इससे आगे हम जा नहीं सकते, यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है, और ऊपर गार्ड ने ही पहले ही मैं मना कर दिया कि आप रस्सी के आगे नहीं जा सकते। सामने ब्लैक कलर का पानी होगा, वहाँ पे एक कुआ है, और उसमें जो पानी है उसको श्रापित माना जाता है। कहा जाता है वो जो काला पानी है वो लोगों को अपने ओर खींचता है, अट्रैक्शन है उसमें, कोई जादू है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, अगर दिन में आप आते हैं तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे हॉन्टेड नहीं लगेगा। लेकिन कहा जाता है सूरज ढलते ही जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ का नज़ारा बदल जाता है, यहाँ पे प्रेत आत्माएं मंडराने लगती है। और यहाँ पे भीड़ देखिए, कितने लोग यहाँ पे आते हैं रोज़ विजिट करने। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये बावली 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीचे से ऊपर की तरफ आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको ये फैलता हुआ प्रतीत होगा। नीचे एकदम कम जगह है, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये फैला हुआ है। आप कुएं के नज़दीक जाएंगे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, तो ये सब चमगादड़े कर रही है। कुएं के बगल में जितने कमरे हैं सब में चमगादड़ भरे पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर से मैं मिला, और इन लोगों से जानते हैं अग्रसेन की बोली, इनको कैसा लगा? बहुत बढ़िया प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। इसे महाभारत के टाइम से, बहुत प्राचीनतम ये जगह है, महाभारत के टाइम से ये है, और इसको 13वीं शताब्दी में इसको महाराजा अग्रसेन, जो अग्रवाल समाज के रिनोवेट कराया था, महान राजा है, उन्होंने रिनोवेट कराया था। फर्स्ट टाइम आया है, बट लिटरली यहाँ पे घूम मतलब अच्छा लगा है। हाँ। चीज़ देखने लायक है। पीके मूवी में भी ये शूटिंग हुई थी यहाँ पर ना, यहाँ पर शूटिंग हुई। अच्छा प्लेस है, आप विजिट करिए, आप विजिट करिए, मतलब बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है, ऐतिहासिक चीज़ें देखनी चाहिए, भारत की धरोहर है। तो वैसे अभी तक यहाँ पे 4-5 मूवियाँ शूट हो चुकी है, जिसमें से पीके हो गया, सुल्तान हो गया, मॉम फिल्म हो गया, ये सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई, कुछ क्लिप्स यहाँ से लिया गया है। कहा जाता है जब बावली में पानी भरा हुआ था तब नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली से लोग यहाँ पे आते थे तैराकी करने, फिर कुछ हादसे होते हैं और ये जगह बंद हो जाता है। ये जगह हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, कोई एंट्री फीस नहीं है इस जगह का,
बावली में कुएं तक पहुंचने के लिए 104 सीढ़ियां हैं। इसके अलावा कई सारे कमरे हैं जो सारे बंद पड़े हैं। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:30 बजे खुल जाता है, शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप यहां पे आते हैं तो खाने पीने के सामान की बात करें तो यहां पे एक आइसक्रीम का ठेला, मोमोज का ठेला और छोटा सा एक कुरकुरे का ठेला दिख जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, इसी तरह के ट्रैवल एंड टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो में जो कुछ मैंने कवर किया है वो इंटरनेट से प्राप्त हुए कुछ भ्रांतियाँ है, इसको आग बंद करके सच ना माने। हो सकता है इसमें से कुछ बातें सच भी हो, बट इसको सच मानने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।